कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी खबर बुधवार को ही आ गई। ब्रिटेन ने अमेरिका की फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी देकर कोरोना से जारी जंग को आखिरी मोर्चे पर लाने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि फाइजर की वैक्सीन को लेकर भारत में ज्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है और इसको स्टोर करने के लिए भी बड़े इंतजाम करने होंगे। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अमेरिकी सरकार के साथ $19.50 में एक डोज के हिसाब से डील की है। ऐसे में खुले बाजार में वैक्सीन की कीमत इससे दोगुनी यानी $38 तक हो सकती है। फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है, जो इसकी सबसे बड़ी खामी है। हालांकि ये फेज 3 ट्रायल में 95% तक असरदार रही है, जो इसे ट्रायल नतीजों के आधार पर अब तक की सबसे ज्यादा असरदार वैक्सीन करार दे रहा है। वहीं बाकी आने वाली वैक्सीन की बात करें तो फिर अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के लिए सरकारों को एक खुराक की कीमत $25 से $37 देनी होगी। भारत में बन रही कोविशील्ड सरकार को 225 से 300 रुपए में मिलेगी, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में डोज खरीदेगी और आम जनता को ये वैक्सीन 500 से 600 रुपए में मिलेगी। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रायल के नतीजों के आधार पर उम्मीद की जानी चाहिए कि ये वैक्सीन सफल साबित होगी। And let's not forget, even if we vaccinate a relatively small percent of the population in the beginning, we can have a very large impact, because a very small percentage of the total population contributes disproportionately to the severe cases and deaths. So if we vaccinate this part of the population in the beginning, we should be able, without developing herd immunity, to see dramatic drop in those indexes, which will allow to provide more confidence to open the economy. So that's the first thing. हालांकि भारत में ICMR ने साफ कर दिया कि देश में सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, केवल उतने ही लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिससे संक्रमण की चेन टूट जाए। अगले साल भारत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले तो फिलहाल टेस्टिंग ही इसकी रोकथाम का अकेला हथियार बना हुआ है। अब राज्य सरकारों ने इसके दाम घटाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट कराने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। सबसे पहले दिल्ली ने कीमतें 800 रुपए करने का फैसला किया था। इसके बाद राजस्थान और गुजरात ने भी इसे घटाकर 800 रुपए कर दिया, लेकिन यूपी ने सबसे बड़ी कमी करते हुए इसकी कीमत 700 रुपए कर दी है। बिहार में भी ये टेस्ट अब 800 रुपए में होगा। हरियाणा में RT-PCR टेस्ट के लिए 900 रुपए देने होंगे, जबकि उत्तराखंड में 850 रुपए चुकाने होंगे। टेस्टिंग लैब भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है। हालांकि उनकी मांग है कि टेस्टिंग से जुड़े उपकरणों पर सरकार को टेस्ट घटाकर प्राइवेट लैब की मदद करनी चाहिए। इस तरह के सडन फैसले टेस्टिंग इंडस्ट्री के लिए सेटबैक है, क्योंकि सरकार के कहने पर ही प्राइवेट लैब्स ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई थी और इस पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन प्राइवेट लैब्स को एनकरेज करने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि किट्स को टैक्स फ्री कर दिया जाना चाहिए, टेक्नीशियन और फ्लबॉटमी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे आम जनता टेस्ट के लिए एनकरेज होगी। इस बात से हम ज़्यादा सहमत नहीं हैं, क्योंकि पहले से ही सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों और जांच केंद्रों में फ्री जांच होने के बाद भी लोग टेस्ट कराने से बच रहे थे। उम्मीद है कि कम कीमत होने की वजह से ज्यादा लोग संकेत उभरते ही टेस्ट कराएंगे और इसका इलाज कराएंगे, जिससे इसके फैलने को रोका जा सकता है। वैक्सीन भारत में मार्च से पहले आनी मुश्किल है, जिससे सर्दियों में अगर कोरोना कहर बरपाता है तो फिर लोग अपना और दूसरों का बचाव करके ही इसे फैलने से रोकने में मदद कर सकते हैं।